अयोध्या में चली लगभग 2 घंटे की बैठक में राम मंदिर निर्माण की 2 तारीखें तय की गईं और ये बताया गया कि राम मंदिर का निर्माण लगभग 3.5 साल में पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक अयोध्या में लगातार चली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक खत्म हुई। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के साथ ट्रस्ट के लगभग 12 सदस्य मौजूद थे। बताया गया कि बैठक में सभी लोगों ने निर्माण को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। जो अवशेष जमीन से प्राप्त हुए हैं सभी ने उन्हें देखा और प्रसन्नता जाहिर की। हालांकि मिट्टी की ताकत कितनी है इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उसके बाद यह निर्णय होगा कि नींव कितनी रखी जाएगी। 60 मीटर नीचे से मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे। 3 और 5 अगस्त की तारीखों का निर्णय लिया गया है। अब इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की ओर से लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राम मंदिर के डिजाइन में भी बदलाव होगा। ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहले मंदिर में 3 गुंबद बने थे लेकिन अब 5 गुंबद होंगे। मंदिर का मॉडल विश्व हिंदू परिषद का ही रहेगा। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण कब तक पूरा होगा इसके बारे में चंपत राय ने बताया कि जब सारे प्राथमिक काम पूरे हो जाएंगे तब से निर्माण की गणना शुरू की जाएगी। समाज के 10 करोड़ परिवार से धन संग्रह किया जाएगा। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। अगर लॉकडाउन की परिस्थितियां सामान्य रहीं तो अगले 3 वर्ष में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। बैठक में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने भी इच्छा जताई है कि राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही होना चाहिए। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि राम जन्मभूमि पर सिंह द्वार के लिए 1989 में शिला पूजन किया गया था। अब मंदिर निर्माण का कार्य गर्भगृह से शुरू होगा जिसके लिए भूमि पूजन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर राम मंदिर के साथ साथ ट्रस्ट मंदिर भी होगा। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेशन मिलती रहे। टिल देन लेट्स फोकस।